गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग केमिस्ट्री में सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन देखा था। उसके पहले हम लोग राउल्ट्स का नियम देखा था। ये दोनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या आप लोग यूट्यूब पर टाइप कीजिए सोल्यूशन, आगे चैनल का नाम सिसोदिया विद्यापीठ लिख दीजिए, आपको सारे लेक्चर वन बाई वन मिल जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग आज देखेंगे राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हम लोग सिर्फ तीन न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और वो तीनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ 0.78 ग्राम बेंजीन C6H6 और 0.92 ग्राम ऑफ टलुइन C6H5CH3 मिक्स्ड, मीन्स बेंजीन और टलुइन, बेंजीन है 0.78 ग्राम और टलुइन है 0.92 ग्राम, आपस में मिक्स कर दिया गया। हमें फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टलुइन। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब है पी बेंजीन, बेंजीन को हम पी बी से डिनोट कर रहे हैं और टलुइन को हम पी टी से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करना है। और क्या है? टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? दो ही चीज मिक्स गई है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, पी बी और पी टी। तो पी बी और पी डी निकाल लो, उसके बाद टोटल इसमें दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल निकल आएगा। ठीक है, और हमें गिवन है पी नॉट बेंजीन, बेंजीन के लिए हमें दिया हुआ है 400 mmHg वेपर प्रेशर, और टलुइन का वेपर प्रेशर, प्योर टलुइन का वेपर प्रेशर कितना है? 200 mmHg। अब हम लोग फार्मूला निकालते हैं पी बी, पी बी का फार्मूला क्या होगा? पी बी का फार्मूला होगा पी बी इजकल टू पी नॉट बी जीटा बी। ये होगा जीटा बी क्या है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा जीटा बी। चलिए नीचे निकालते हैं जीटा बी। जीटा बी इजकल टू क्या होता है? जीटा बी इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, भाई दो चीज़ें बेंजीन और टलुइन, हमें बेंजीन का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेंजीन, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होगा। जीटा बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टलुइन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और टलुइन ये निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ये निकालिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टलुइन ये निकालिए, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो बेंजीन का मास कितना है? बेंजीन का मास है 0.78 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का कितना होगा? कार्बन का होता है 12 और इसका हो जाएगा 6, 6 गुना 6 कार्बन 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 × 6, तो ये 12×6 = 72 मीन 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा, ये हो जाएगा 78। ओके, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग देख सकते हो 0.01 आ जाएगा। ओके, यही तो आएगा भाई, दो जीरो बढ़ जाएगा तो 1/100 कट जाएगा, उसके बाद 1/100 का मतलब 0.01 आ जाएगा। टलुइन का निकालेंगे, तो टलुइन का निकाल लेंगे तो क्या होगा? मास अपान मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? टलुइन का मास है 0.92 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो कार्बन का 12 हो जाएगा इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 है तो 5 हो जाएगा, फिर कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 और इसको सबको ऐड कीजिए, आपका 92 आ जाएगा। और यहां पर मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? 92। अब इसको भी सॉल्व करोगे 0.01 आ जाएगा। ओके, तो नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.01 प्लस 0.01। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जीटा बी इक्वल टू आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02
टू। अब दो डिजिट पर ऊपर भी है, दो डिजिट पर नीचे भी है, हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा जीटा बी का वन बाई टू। सेम ऐसे ही हम लोग जानते हैं टोटल अगर निकाले मोल फ्रैक्शन, मीन्स नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टलुइन, तो ये कितना आना चाहिए, ये वन आना चाहिए। ये तो फार्मूला होता है कि सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट है, दोनों कॉम्पोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर लो तो वन आ जाता है। जीटा बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो जीटा टी की वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस जीटा बी आ जाएगा, और जीटा बी की वैल्यू कितनी है, हाफ, वन माइनस हाफ, तो वन में से हाफ माइनस कर देंगे तो हाफ बच जाएगा। तो टलुइन का भी मोल फ्रैक्शन वन बाई टू और बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन वन बाई टू। अब यहां पर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, पी बी इजकल टू पी नाट बी, पी नाट बी बेंजीन का, प्योर बेंजीन का ये वेपर प्रेशर, तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, 400 mmHg इंटू जीटा बी। जीटा बी की वैल्यू कितनी है, जीटा बी की वैल्यू है हाफ, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 200, मींस पी बी इजकल टू आ जाएगा 200 mmHg। ओके, ये आ जाएगा बेंजीन का वेपर प्रेशर, बेंजीन का वाष्प दाब। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं टलुइन का भी, तो जब टलुइन का निकालेंगे तो पी टी इजकल टू पी नाट टी इंटू जीटा टी, ये आ जाएगा। तो पी टी इजकल टू पी नाट टी, टलुइन का वेपर प्रेशर कितना है, 200 mmHg इंटू जीटा टी, मीन्स टलुइन का मोल फ्रैक्शन, टलुइन का मोल फ्रैक्शन है हाफ, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो ये पी टी इजकल टू आ जाएगा 100 mmHg मिलीमीटर पारा, ये होता है दाब का मात्रक। ओके, अब उसके बाद सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हम लोग पी टोटल निकालेंगे। पी टोटल क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, बेंजीन का वाष्प दाब प्लस टलुइन का वाष्प दाब, तो बेंजीन का आया 200 और टलुइन का आया 100, तो ये आ गया टोटल 300 mmHg। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से लगाइएगा। बेंजीन और टलुइन का कुल वाष्प दाब, मतलब पी टोटल इजकल टू 100 प्लस 60 जीटा बी। जीटा बी क्या है, जीटा से हम किस चीज को डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो बी है इसका मतलब बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो शुद्ध पी टोटल इतना हो तो शुद्ध बेंजीन और टलुइन का वाष्प दाब निकालिए। शुद्ध बेंजीन मतलब पी नाट बी का मान निकालना है, और शुद्ध टलुइन मतलब पी नाट टी का मान निकालना है, ये दो चीजें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए किस तरीके से लगाया जाएगा। हम लोग जानते हैं राउल्ट्स नियम का, राउल्ट के नियम का फार्मूला क्या होता है, राउल्ट के नियम का फार्मूला होता है पी टोटल इजकल टू पी नाट बी, बेंजीन की बात कर रहा हूं, प्लस जीटा बी, और पी नाट टी टलुइन की बात है, और ये जीटा टी, ये होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं जीटा बी मींस बेंजीन का प्लस जीटा टी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहां से अगर हम जीटा टी निकालेंगे तो वन माइनस जीटा बी आ जाएगा। क्यों, जीटा टी को हटाना है, जीटा बी को लाना है, क्योंकि यहां पर क्या है, जीटा बी है, जीटा बी है, तो हमें जीटा टी को हटा करके जीटा बी में, मींस इस चीज को हटा करके इसके स्थान पर ये वैल्यू रख दीजिए, पी टोटल इजकल टू पी नाट बी जीटा बी प्लस पी नाट टी, और जीटा टी के स्थान पर वन माइनस जीटा बी लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, पी नाट बी जीटा बी प्लस पी नाट टी माइनस पी नाट टी जीटा बी, ये आ जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए यहां से पी टोटल इजकल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी नाट टी आ जाएगा प्लस यहाँ जीटा बी कॉमन ले लीजिए, और जब जीटा बी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा जीटा बी माइनस पी नाट बी माइनस पी नाट टी, और बाहर आ जाएगा जीटा बी। अब इसको कंपेयर कीजिए इससे, कंपेयर करना है किससे, कंपेयर करना है पी टोटल
इजकल टू 100 प्लस 60 जीटा बी। अब आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो पी टोटल इधर है, इक्वल इक्वल इधर है, इधर क्या है पी नाटी और इधर क्या है 100 और इधर प्लस प्लस है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये इतना है और इधर भी जीटा बी, इधर भी जीटा बी। मतलब यहाँ से कंपेयर करने पर ये वैल्यू आ रही है कि पी नाटी की वैल्यू 100 है। मीन्स शुद्ध टलुइन का वास्तुदाब, शुद्ध टलुइन का वास्तुदाब यही हमें निकालना था और वो आ गया 100। इस ये वैल्यू हो जाएगी MMHg में, या कुछ मत लिखिए क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया गया है। तो जब कोई यूनिट नहीं दिया गया है तो यही आंसर लिख दीजिए। ये पी नाट बी की वैल्यू निकालना है, उसके लिए ये वाला देखिए, ये वाला पी नाट बी माइनस पी नाट टी इजकल टू 60। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, इस तरीके से अगर आप लोग देखो तो नहीं लगा पाओगे, इस तरीके से अगर ट्रिक का प्रयोग करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से पी नाट बी माइनस जीटा टी की वैल्यू 100 रख दीजिए इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा 100 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब 100 उधर जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, 60 पहले से है तो ये कितना आ जाएगा 160। ये आ जाएगा आंसर बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ऐसे ही एक और ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है एक्स है और वाई है, दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है, एक्स का 2 मोल है, वाई के 3 मोल हैं, तब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 500 mmHg। ओके, और जब एक्स 3 मोल है और वाई 2 मोल है तब टोटल वेपर प्रेशर है 400 mmHg। ओके, तब हमें फाइंड करना है शुद्ध ए का वास्तुदाब पी नॉट एक्स और शुद्ध वाई का वास्तुदाब मीन्स पी नॉट वाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे लगाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हम किससे लगाते हैं, राउल्ट्स लॉ से लगाते हैं। तो सबसे पहले राउल्ट्स लॉ का फार्मूला लिख दीजिए, और राउल्ट्स लॉ का फार्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, एक एक्स है एक वाई है, पी नॉट एक्स जीटा एक्स प्लस पी नॉट वाई जीटा वाई, ये हो जाएगा। अब पी नॉट एक्स और जीटा वाई की तो वैल्यू निकालना है, लेकिन ये और ये जीटा एक्स और जीटा वाई की तो वैल्यू हम यहां पर निकाल ही सकते हैं। तो जीटा एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, यही होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, एक्स का मोल कितना है पहली कंडीशन में 2, डिवाइड बाई ये जीटा एक्स, जीटा एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स ये कितना है 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई 3, कितना आ गया, ये आ गया 2/5। ओके, ये आ गया 2/5। अब हम लोग ऐसे ही जीटा वाई निकाल लेते हैं, जीटा वाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई यही चीज, इतना ये एन वाई, ये आ जाएगा। अब पहली कंडीशन ही हम देख रहे हैं, पहली कंडीशन में देख रहे हैं तो वाई के कितने हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3, कितना आ जाएगा 3/5, इतना हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, हम पहली कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, यही पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन के भी बाद में बात करेंगे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पी टोटल कितना है 500 mmHg, और पी नॉट एक्स पता ही नहीं है, यही हमें निकालना है पी नॉट एक्स, जीटा एक्स, जीटा एक्स की वैल्यू है 2/5 प्लस पी नॉट वाई, पी नॉट वाई की वैल्यू हमें निकालना है पी नॉट वाई, जीटा वाई, जीटा वाई की वैल्यू क्या है 3/5, बटे में देखिए इसमें भी 5 है, बटे में इसमें भी 5 है, तो 5 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p0x + 3p0y, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आया। सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 भी हम लोग देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी यही हम देखेंगे, पी टोटल कितना होगा 400, डायरेक्ट कर रहे हैं हम 400 इज इक्वल टू, इसको मिटा दीजिए, हाँ
ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। पी टी की वैल्यू सेकंड कंडीशन में, अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, यहां तक फर्स्ट कंडीशन की थी, अब हम सेकंड कंडीशन की। तो 400 टोटल वेपर प्रेशर प्लस पी नॉट एक्स तो हमें निकालना है इनटू जीटा एक्स। जीटा एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टोटल। तो एक्स के मोल कितने हैं? 3 डिवाइड बाई टोटल 3, 2, 5 प्लस यहां क्या हो जाएगा? पी नॉट वाई इंटू जीटा वाई। जीटा वाई क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टोटल। तो ये 2/5, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर दे, 5 × 4 = 20 मतलब 2000 आ जाएगा इजकल टू 3 P0x प्लस 2 P0y। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, दोनों में दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कौन सा मेथड लगा दें? यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर लेंगे। आप लोग नहीं जानते, ध्यान समझिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी वाई का कॉफिशियंट 3 है, यहाँ पर पी वाई का कॉफिशियंट क्या है? 2 है। तो इस यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दिए। मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए इससे, मल्टी 2 से, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 6000 इजकल टू 3 × 3 = 9 पी नॉट एक्स प्लस 3 × 2 = 6 पी नॉट वाई। और नीचे क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 × 50 मतलब 5000। ये हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 4 पी एक्स पी नॉट एक्स प्लस 3 × 2 = 6 पी नॉट वाई। अब आप लोग इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और जब माइनस करेंगे तो ये सेम टू सेम है, ऊपर नीचे एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अगर करेंगे तो 6000 में से 5000 निकल जाएगा तो ये बचेगा 1000 इजकल टू 9x में से 4x निकल जाएगा तो ये बचेगा 5P0x और P0x। यहाँ से बहुत आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, पी नॉट एक्स इजिकल टू 5 क्या होगा? बटे में चला जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 × 2 = 10 मतलब 200 mmHg। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ओके, अब हम लोग सेकंड आंसर की बात करते हैं। सेकंड आंसर के लिए पी नॉट एक्स की वैल्यू आ गई। पी नॉट एक्स की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन वन ये हो जाएगा 2500 इजकल टू 2P0x। पी नॉट एक्स की वैल्यू है 200 प्लस 3P0y। अब ये आ जाएगा 2500, ये वाला इधर आएगा तो माइनस, और ये 2 × 2 = 4 400 इजकल टू 3P0y। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि P0y इजकल टू 3 क्या होगा? 3 बटे में चला जाएगा इधर, और 2500 में से 400 निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 2100, और 3 × 7 = 21 700। मीन्स P0y की वैल्यू आ जाएगी 700 mmHg मिलीमीटर पारा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर? तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।